What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn retracting route in our Angular. जी हाँ guys, इस lecture में हम देखेंगे कि हम retracting route को कैसे set कर सकते हैं. तो चलिए guys शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमने लास्ट टाइम कवर किया था, मीन कि हमने राउट्स को देखा था, हम राउट्स कैसे सेट कर सकते हैं. ठीक है, मीन कि राउटर्स लिंक को देखा था. ठीक है, जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट शो होता है, और ये थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा, तो इस स्पेस के लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर नीचे नेव के नीचे हम ब्रेक एडअप कर देते हैं. ओके, टू टाइम ब्रेक ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ये नेव बार हमने क्रिएट की थी लास्ट टाइम, और सब कुछ हमने ये लास्ट टाइम क्रिएट किया था. ओके, तो थोड़ा सा गैप आ गया. ओके, तो इस तरीके से आपको ये शो हो रहा है. ये सब हमने लास्ट टाइम कवर किए थे. ओके, तो अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे, जैसे लेट्स से गए, जैसे कि अगर मैं इसको न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और फिर से मैं एंगुलर को रन करता हूँ, तो देखें अभी के लिए जो कोई भी मुझे पेज शो नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर आपको एम्प्टी शो हो रहा है, मीन कि एक जो सेकेंडरी बीजी कलर जो है वो शो हो रहा है. मैं कहता हूँ जैसे ही मैं हमारी जैसे कोई वेबसाइट सर्च करे, तो हमारा जो पेज जो है ना, होम का पेज पहले शो हो, फर्स्ट पेज. तो वो हम कैसे सेट करेंगे, मीन कि कैसे रीडायरेक्ट करवाएंगे हम होम पे. ठीक है, ओके. तो अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और होम अगर क्लिक करूँ, तो देखिए मैं होम के पेज पे आ चुका हूँ. तो इस तरीके से हम कैसे सेट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपने आना है ऐप राउटिंग में. ओके, ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल जो हमारे पास, ठीक है. ओके, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर फर्स्ट पे आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर यहाँ पर आपने कॉमा देना है. ठीक है, यहाँ पर ओके यहाँ पर आपने अब सेट करना है पाथ. तो पाथ जो होगा गाइस, वो होगा हमारा एम्प्टी. ओके और उसके बाद आपने यहाँ पर रीडायरेक्ट टू आपने यूज़ करना है कॉलन, और यहाँ पर जिस पेज पे आपने रीडायरेक्ट करवाना है उसका नेम, जैसे कि होम है तो आपने होम पे टाइप कर देना है. ठीक है, और गाइस इस तरीके से थर्ड वन जो है आपने यहाँ पर पास करना है पाथ मैच, और वो क्या होगा फुल. ठीक है, बस इतना काम आपने गाइस करना है, सिंपल. ठीक है, अब अगर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से अगर मैं इसको मैं एंगुलर पे क्लिक करूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पर अब आपको वो, यानी कि उसने ब्लैंक पेज नहीं दिखाया, उसने रीडायरेक्ट कर दिया किस पे, होम पे. ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि अगर होम की बजाय अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट, या हम एंगुलर कर लेते हैं एंगुलर. ठीक है, एंगुलर. ठीक है, सेव. जैसे कि एंगुलर का हमने ये पास सेट किया हुआ है, ये एंगुलर का. ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये रन हो. ठीक है, तो वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ और एंगुलर पर क्लिक करता हूँ, देखें ये मुझे कहाँ ले गया, एंगुलर पर. ठीक है, तो हमने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया एंगुलर पर. अगर मैं इसको होम ही कर देता हूँ, तो अब ये आपको होम ही शो होगा. जब भी हम इसे रन करेंगे, तो आपको ये होम शो होगा. जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और फिर से दिखाऊँ, तो देखें होम. ओके, तो इस तरीके से गाइस हम रीडायरेक्ट राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही. गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.